ये 105 गज का फ्लोट है, ठीक है, फ्लैट है, तो एक फ्लैट के लिए मैंने ये सिस्टम लगाया। सर, इस सेटअप को लगवाने का मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न ये था कि मेरे पास मेन सप्लाई नहीं है, इसमें मेनली पूरा घर का लोड चलता है और खासकर जो पावर लोड हो वो चलता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं और जनरली लोग बिजली का बिल कम करने के लिए सोलर सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हैं, बट आज जिस साइट के ऊपर हमें यहाँ पर मेन सप्लाई नहीं है, इसीलिए सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। और आज हम दिल्ली के मेहरौली एरिया में, जहाँ पर मिस्टर अनिल जी ने सुवास्तिका का 5KVA MPPT सोलर PCU इंस्टॉल किया है विथ 4.8 किलोवाट आवर बैटरी, जिसकी वजह से अब वो अपने दिन में डायरेक्ट सोलर से अपने अप्लायंसेस का यूज़ कर लेते हैं और रात के टाइम पे जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो बैटरी से अपने नीडफुल अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं। सो, चलिए आइए जानते हैं सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से इंस्टॉल किया गया है, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं और जो कस्टमर हैं वो किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं दिन में और रात में। सो, दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है सुवास्तिका का 5KVA MPPT सोलर PCU, जिसके साथ में सुवास्तिका की 4.8 लिथियम बैटरी बैंक यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है और कुछ इस तरीके से सिस्टम दिखता है। इसलिए एक्सपर्टीज जानने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर नरेंद्र जी को, जो कि सुवास्तिका कंपनी से हैं, जो इस कॉम्बो की हमें और जो टेक्निकल डिटेल्स है उसके बारे में बताएंगे। नरेंद्र जी, वेलकम टू द चैनल। मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो ये सेटअप कनेक्टेड है वो कितना बड़ा सेटअप यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है? सर, ये हमने जो सेटअप लगा रखा है ये 5 किलोवाट का सेटअप लगा हुआ है सर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें लोड की, तो इस सेटअप के ऊपर कितना लोड चल सकता है? सर, ये जो सेटअप है 5 किलोवाट का, तो इस पर सर 4 किलोवाट का लोड चलेगा सर, यानी कि 4000 वाट का लोड आराम से चल सकता है। और अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पैनल्स हैं वो यहाँ पर कनेक्टेड हैं, तो इस सेटअप पर कितने पैनल्स को कनेक्ट किया गया है? सर, इस जो ये सेटअप लगा हुआ है, इस सेटअप पे सर 545 वाट के पैनल लगे हुए हैं, जो कि 6 पैनल लगे हुए हैं सर। इस सेटअप के ऊपर नंबर ऑफ पैनल्स कितने बड़े यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं? सर, 545 के ही कनेक्ट हो सकते हैं, बाकी आप अगर 345 के पैनल्स लगाते हैं तो आप इसमें 8 पैनल लगा सकते हैं सर। 8 पैनल लगा सकते हैं। आप लोग एक डिजिटल वारंटी देते हैं, तो ये डिजिटल वारंटी किस तरीके की, उसके बारे में थोड़ा समझाएंगे? सर, जो हमारी कंपनी डिजिटल वारंटी देती है, तो उसके लिए सर एक कंपनी हमारे डोंगल देती है, जो कि हमारे सिस्टम पे लग जाता है डोंगल, और सिस्टम पे लगने के बाद आप उस डोंगल से अपने ब्लूटूथ के थ्रू आप फोन को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके फोन में स्क्रीन पे हमारी एक ऐप होती है जी, जो कि स्वास्थ्य के नाम से ऐप होती है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते ठीक हैं है। उसके बाद आप डाउनलोड करने के बाद इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद आप उसमें फोन में चेक कर सकते हैं और उसमें आपकी जितनी भी वारंटी है बची हुई है या आगे कितनी चल रही है सारी चीज की डिटेल आ जाएगी सर। आने वाला समय सर, आप जानते हैं डिजिटल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, इसमें आपको जैसे कि आप लेड एसिड खरीदते हैं तो उसमें आपको पर्ची में बिल काट के देते हैं, बट हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती है, आप फोन से अपना जो भी आपकी वारंटी है, गारंटी है, जो भी कंपनी दे रही है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने डिजिटल की बात की है, तो मैंने ये भी सुना है कि आपके जो ये प्रोडक्ट है ये स्मार्ट है, तो इसमें एज ए स्मार्ट वाली क्या चीज? क्योंकि सर, ये फोन से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और आपका सिस्टम कहीं और लगा या छत पे लगा हुआ है, तो आप फोन से ही उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप बैकअप देख सकते हैं, कितना बैकअप मेरी बैटरी में बचा हुआ है, कितना लोड चल रहा है, और उसको ऑन ऑफ भी आप फोन से ही कर सकते हैं। और जैसे बैटरी 4.8 किलोवाट की 48 वोल्ट की बैटरी है, अगर कस्टमर इसकी जगह पर कोई लेड एसिड बैटरी इंस्टॉल करता, तो उसमें और इसमें, हालांकि कंपैरिजन लेड एसिड और लिथियम का नहीं बनता है, बट अगर कोई लेड एसिड लगाए तो क्या आपको डिफरेंसेस, यहाँ क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं? सर, ये आपने लगा रखी है 4.8 किलोवाट की बैटरी जी, बट अगर आप लेड एसिड लगाते तो आपको इसमें 150 Hz की 4 बैटरी लगानी होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह नहीं है, काफी छोटे एरिया में लगा, छोटे एरिया में सर, और ये जो हमारी 4.8 की लगी हुई है ये वॉल माउंट है सर, ठीक है, वॉल पे फिट हो चुकी है, बट वो फिट नहीं हो सकती और उसमें वेट भी ज्यादा होता है, प्रॉब्लम होती है और लीकेज हो जाता है तो फर्श भी गंदा हो जाता है सर, टाइल्स वगैरह सब खराब हो जाते हैं, और घर में फिर प्रॉब्लम होती है, गैस लीकेज होती है उसकी, तो फ्यूम्स जो निकलते हैं जी, और अगर देखा जाए तो इस एरिया में शायद वो इंस्टॉल होने में भी काफी प्रॉब्लम होती है सर। और अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम की लाइफ की, तो कितनी लाइफ यहाँ पर मिल जाती है इस सिस्टम के साथ में? जी सर, नॉर्मली जो इसकी लाइफ है सर 7 से 10 साल की लाइफ है, बाकी अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करते हैं तो ये आगे भी चलेगा सर। मतलब आप जो मेरे को 7 से 10 साल की जो आप लाइफ बता रही है बैटरी की लाइफ है, अगर मैं बात करूँ इन्वर्टर की लाइफ की, तो इन्वर्टर की लाइफ कितनी होगी? सर, इन्वर्टर की जो लाइफ है सर वो चलता ही रहता है सर, मतलब बैटरी की तो सर 7 से 10 साल के, पर इन्वर्टर और आगे चलता है सर।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे सारे जो भी क्वेश्चन थे, जो भी हमें टेक्निकल डिटेल्स की जरूरत थी वो आपने हमें सारी दे दिया, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अब है हमारे साथ इस घर के ओनर मिस्टर अनिल जी, जिन्होंने इस सेटअप को यहाँ पर लगाया। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया पूरा जो सेटअप है उसको कवर करने के लिए। और मुझे सर सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो आपने सेटअप लगाया है कितने फ्लोर हैं और कितने बड़ा एरिया है ये? ये 105 गज का फ्लोर है, ठीक है, फ्लैट है, तो एक फ्लैट के लिए मैंने ये सिस्टम लगाया। और कितने फ्लोर हैं आपके पास में? मेरे पास डेड फ्लैट है यहाँ पे, तो उसके लिए सिस्टम लगा रखा है मैंने, दो अलग अलग लगा रखे हैं। अच्छा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितना लोड आप इसके ऊपर चलाते हो? इसमें मेनली पूरा घर का लोड चलता है और ख़ासकर जो पावर लोड हो वो चलता है, जैसे एसी हो गया या समरसीबल होगी, मतलब मोटर होगी पानी की और चक्की होगी, इस प्रकार के लोड में इस पर चलाता हूँ। सर, इस सेटअप को लगवाने का मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न ये था कि मेरे पास मेन सप्लाई नहीं है और उसी वजह से मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि मेन सप्लाई की पूर्ति कर सके। तो सोलर, फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो एक ही ऑप्शन बच रहा था सोलर वाला, सोलर पे मैं शिफ्ट हुआ और अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा कि सोलर पे सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो रही जो मेन से चलती है। और जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि आपके पास मेन सप्लाई नहीं है और आप सारा लोड इसके ऊपर चलाते हैं, तो मेजरली जो आपका लोड है, जितनी आपकी नीड है, वो सारा यहाँ पर फुलफिल हो जाता है? हाँ, दिन में पूरा सोलर से चलता है और बैटरी चार्ज हो जाती है, तो रात को नॉर्मल चलता रहता है, तो ज़्यादा लोड नहीं चलता रात को। और ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट होती है तो कभी एसी चलाते हैं हम, वो भी मतलब उसके एसी वाले जो चार फंक्शन हैं उस पर जो मिनिमम है उसके ऊपर चलाते हैं ताकि पावर कंजम्पशन हो। मतलब कि कन्वर्टिबल एसी है जो कि पौने टन, एक टन, सवा टन और डेढ़ टन पे, तो आप इसको पौने टन पे अगर कर कर चलाते हैं तो आपके आराम से जो एसी है वो लंबे टाइम तक चल जाता है। कितना टाइम हो गया है इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर लगवाए हुए? इसको मैंने तकरीबन आज 21 तारीख है तो एक महीने के समथिंग हो गया मेरे को। और सर, जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले कोई और सिस्टम भी लगा हुआ था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसके बाद आपने यहाँ पर स्विच हुआ है, तो मैं जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही थी जब आपने यहाँ पर स्विच किया है? उसकी एक तो लोड की कैपेसिटी कम थी क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही थी बार बार, दूसरा उस कंपनी की सर्विस हमारे को ठीक नहीं मिल रही थी, तकरीबन एक कोई कंप्लेन करने के बाद 15-16 दिन कम से कम लगते थे उसमें। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और फिर सु-वास्तिका कंपनी के बारे में पता चला, फिर मैंने, क्योंकि मेरे एक नज़दीक भी पड़ता है और इस वजह से भी, और मेरी जब कस्टम से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपको सर्विस अच्छी मिलेगी और इस हिसाब से मैंने लिया, एक महीना हो गया मेरे को, कोई दिक्कत नहीं आई। सर, जैसे कि काफ़ी लोगों के माइंड में एक मिथ होता है कि सोलर लगवाने के बाद ना बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस बढ़ जाती है, तो आपने यहाँ पर एक महीना हो गया है तो अभी तक आपने कोई मेंटेनेंस यहाँ पर की है? नहीं, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, एक बार लगा दो सिस्टम उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा आप इसके ऊपर एक कपड़ा मार सकते हो, बस उसके अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं है। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको एक फ़ीचर भी मिलता है जिसके अंदर आप अपने फ़ोन पर ही आराम से बैठकर हर एक चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं, जो इंटरफेस है या जो ऐप है वो आपको कैसी लगे? अच्छा है, ताकि बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े कि कितना अपने पास चार्ज हो गया, कितना बैलेंस है, क्या है क्या नहीं, तो वो आप बैठे बैठे मोबाइल से ही देख सकते हो और उसी को ऑपरेट कर सकते हो, वो एक अच्छा फ्यूचर है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और अपना जो फीडबैक है वो हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी इस सिस्टम के बारे में और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो सोलर सिस्टम है वो हर किसी के लिए है, चाहे उसे बिजली का बिल कम करना हो, चाहे आपके पास मेन सप्लाई ना हो, सोलर सिस्टम इज़ द फ्यूचर और ये हर किसी के लिए है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों का शेयर कीजिएगा जो कि एक सोलर सिस्टम लगवाने के लिए सोच रहे हैं या फिर अपना बिजली का बिल कम करने के लिए सोच रहे हैं। सो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।